हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गॉसेज लॉ को यूज़ करके आप किस तरीके से एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक प्लेन शीट को रिप्रेजेंट किया है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पूरी सर्फेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर इस शीट की जो सर्फेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और हम जानते हैं सर्फेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस शीट के ऊपर वो है सिग्मा, और इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। हमको इस शीट के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसके लिए हम गॉसेज लॉ यूज़ करने वाले हैं। पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है शीट से वो है आर, और आर की जो वैल्यू है वो इस शीट के साइज़ की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। यानी ये जो आर डिस्टेंस है ये इस शीट के साइज़ की कंपेरिजन में काफ़ी छोटी है, इसलिए हम इस शीट को इस आर की कंपेरिजन में इनफाइनाइट प्लेन शीट भी कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर जो शीट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में माना जाएगा। अब अगर हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम गॉसेज लॉ यूज़ करेंगे, और गॉसेज लॉ यूज़ करने के लिए आपको एक क्लोज सर्फेस कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक 2R लेंथ का सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्फेस कंसिडर किया है जिसके सर्कुलर पोर्शन के ऊपर ये पी पॉइंट प्रेजेंट है। अगर हम इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया ए माने तो इस सिलेंडर के दूसरे वाले सर्कुलर पोर्शन का एरिया भी ए होगा, और साथ ही ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस शीट का जो पोर्शन कट करते हुए जा रही है उस सर्कुलर पोर्शन का एरिया भी ए के इक्वल होगा। अब अगर इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा इंटू ए। यानी हम कह सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए के इक्वल होगा। यानी क्यू इन इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए। साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन डिफरेंट पोर्शंस हैं, दो तो ये सर्कुलर पोर्शंस हैं और एक ये कर्व्ड सरफेस है। अगर हम पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। साथ ही ये जो शीट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा और वो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, इसलिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। साथ ही इस दूसरे वाले सर्कुलर पोर्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं कि इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, जिसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेकंड पोर्शन के लिए भी सेम होगी, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। अब अगर हम इस कर्व्ड सरफेस की बात करें तो इसको हम थर्ड सरफेस मान सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, और इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है आप देख सकते हैं कि इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो अब अगर हम गॉसेज लॉ अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो यह आएगा ई ds cos थीटा, जहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि हम देख सकते हैं कि तीनों जो पोर्शन है सिलेंडर के उनके लिए थीटा अलग अलग है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फॉर द फर्स्ट सरफेस ई डी एस, और फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा है 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री आएगा। अगर हम सेकेंड सर्फेस के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं सेकेंड सर्फेस के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री। थर्ड सर्फेस के लिए हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि जो कॉस 90 है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। साथ ही आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसके दोनों जो सर्कुलर पोर्शन हैं वो शीट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी आर डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए इन दोनों सर्कुलर पोर्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम E को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट मानते हुए,
और इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर द फर्स्ट सरफेस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर द सेकेंड सरफेस हम ई को इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे और ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एंड इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों सर्कुलर पोर्शंस का एरिया ए है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड सर्फेस ये ए के इक्वल होगा, तो इसको लिखा जा सकता है ई इन टू ए प्लस ई इन टू ए इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन की वैल्यू हम देख सकते हैं सिग्मा इन टू ए के इक्वल है, उसको लिखा जाएगा सिग्मा इन टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड में ए कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है टू ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमने शीट के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट की है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर आर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो शीट का साइज है वो इस आर के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है, इसलिए शीट के आसपास किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट होती है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू डिस्टेंस के साथ में कॉन्स्टेंट होती है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।